जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व, इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होते ही यह स्पष्ट दृष्टि में आता है कि जैसे दीपक की जलती ज्योति हो वह प्रज्वलित ज्योति की सत्ता जहां है, अस्तित्व जहां है, वहां दिए की मिट्टी कहीं भी नहीं, और जहां ज्योति है वहां दिए का धुआं भी कहीं भी नहीं। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही यह दृष्टि में आता है कि मैं चैतन्य तत्व जहां हूं वहां ये देह की मिट्टी भी नहीं, और वहां राग और द्वेष के विकारी भावों का धुआं भी नहीं। ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व की एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अनंत 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 काल के उस दुख को अलविदा कर देती है। एक समय की यह निर्विकल्प अनुभूति यही आत्मानुभूति है, और यह आत्मानुभूति बाहर में किसी भी प्रकार का संयोग हो या संयोगी भाव हो, यह संयोग और संयोगी भाव यह अनुभूति की उपलब्धि में बाधक नहीं होते। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति बाहर के संयोगों की और संयोगी भावों की अपेक्षा नहीं रखती। एक समय में यह अनुभूति होती है, आत्मानुभूति एक समय में होती है, परंतु अनुभूति की यात्रा बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती है। जैसे दौड़ने वाला दौड़ता है और जिस समय वो रिबीन को काटता है कि उसका पहला नंबर आया, वो जीत गया पहले नंबर पर, वो रिबीन को कटने में एक सेकंड भी नहीं लगती, वो रिबीन कटी मगर एक सेकंड भी जिसमें नहीं लगी ये रिबिन कटने में, वो एक सेकंड में नहीं जीता। उसका जो पहला नंबर आया है वो 3 घंटे से 4 घंटे से वो दौड़ता था, वो दौड़ना उसमें शामिल है। ऐसा ही है कि ये मोह का भाव जो कटता है वो एक समय में कटता है, मगर उस मोह के भाव को कटने से पहले असंख्य समय तक, एक नहीं दो नहीं असंख्य समय तक ये तत्व विचार चलता है, चिंतन चलता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, और देह के परमाणुओं की जो पकड़ है वो पकड़ पहले से ही वो ढीली होने लगती है। ये परमाणुओं की पकड़, ये राग की दीवार के परमाणुओं की पकड़, जैसे कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती, उस गाड़ी को किसी ने पकड़ करके रखा। अब गाड़ी को जो पकड़ करके रखा कि गाड़ी के आगे जाते ही वो व्यक्ति भी लहूलुहान होता है, खून निकलता है, घायल होता है, मर भी जाता है, कि वो गाड़ी को पकड़ करके रखता है और गाड़ी रुकती नहीं है। ये जो पकड़ है ये पकड़ खतरनाक है, यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चले, मगर पकड़ यदि छूट गई हो, यदि ये पकड़ छूट गई हो तो वो गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले मगर इस आदमी को कुछ भी ना होगा। ये जो शरीर के अनंत परमाणु, ये राख की दीवार के अनंत परमाणु, ये परमाणु निश्चित रूप से ये गाड़ी है और ये गाड़ी छूटने वाली है, ये यात्रा करके ये गाड़ी छूटने वाली है, ये गाड़ी आगे जाए उससे पहले ही ये पकड़ छूट जाए।
और जिसे ये पकड़ छूट गई है वे ही ज्ञानी हैं, जो देह में रह कर के भी राख की दीवार के पड़ोसी हुए हैं वे ज्ञानी हैं। ऐसी अनुभूति आप परमात्माओं को किसी भी देह की अवस्था में हो सकती है, नरक में नारकी हो या फिर देवों में देव हो, तिर्यंच हो, जानवर हो या मनुष्य हो, ऐसी यह अनुभूति की दर्पण में अपने इस चेहरे को देखा कि देखते ही ये विचार प्रारंभ हुआ, ये जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है ये चेहरा ये मैं नहीं हूं। और उस समय की यह जागृति कि ये जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है वो मैं नहीं हूं, और ये मैं नहीं हूं इसका जिसको बोध हो रहा है वो मुर्दे को नहीं होता। मुर्दा यदि पड़ा हो तो मुर्दे को बोध नहीं होता कि ये दर्पण में कौन प्रतिबिंबित हुआ, मुर्दे को बोध नहीं होता। बोध जो होता है वो चैतन्य तत्व ये जानने वाला शुद्धात्मा, ये जागृति रहे कि देह की क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, शरीर की इस क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। आत्मा की अनुभूति की ये यात्रा अंतर यात्रा प्रारंभ। आज हम जिस चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति पर चर्चा करने जा रहे हैं, आत्मा की अनुभूति की अंतर यात्रा, महावीर भगवान की अंतर यात्रा कैसे हुई थी, आत्मा की अनुभूति महावीर भगवान को सबसे पहले शेर की अवस्था में प्रकट हुई थी, शेर की अवस्था में ये प्रकट हुई थी आत्मा की अनुभूति। इसलिए ये जो अनुभूति का मार्ग है ये मार्ग नर से नारायण होने का मार्ग नहीं, ये पशु से परमात्मा परमेश्वर होने का ये मार्ग। आपने 24 तीर्थंकरों के नाम सुने हो, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, आज वे सिद्ध शिला पर विराजमान है, मुक्ति को पा चुके, मगर सबसे पहले उन्हें आत्मा की अनुभूति हुई थी। आत्मा की अनुभूति पार्श्वनाथ भगवान को जब सबसे पहले हुई तब हाथी की अवस्था में हुई थी, और महावीर भगवान को सबसे पहले आत्मा की अनुभूति हुई शेर की अवस्था में हुई थी। ये दो प्राणी ऐसे हाथी और शेर, शाकाहारी प्राणी में बलवान प्राणी ये हाथी, और मांसाहारी प्राणी में ये बलवान शक्तिशाली प्राणी ये शेर, ये दोनों प्राणियों ने अपनी शक्ति का जो उपयोग दूसरों को मारने के लिए नहीं किया, इन्होंने अपनी शक्ति का जो उपयोग किया अपने आत्मा में जो अनादि से ये मिथ्यात्व का भाव, उस मिथ्यात्व के भाव के नाश के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। पशु से वे आज परमेश्वर परमात्मा की यात्रा कर चुके, हमारी भी अंतर यात्रा महावीर भगवान की तरह ऐसा कुछ इस जीवन में प्राप्त हो। मगर जब भी हम प्राप्ति की बात करते हैं तब हमारा पूरा जोर बाहर की ओर ही होता है, पूरा दृष्टिकोण बाहर की ओर होता है। तुम आए हो और बैठे हो और मुर्दे की तरह बैठे हो, कोई जाग नहीं रहे हो, तुम में होश नहीं है, तुम्हारी आंखें खुली है, तुम्हारा शरीर पैर से चल करके यहाँ आ गया, मगर तुम्हें एहसास नहीं होता कि इस शरीर के परमाणुओं से न्यारा में चैतन्य महल, तुम्हारी जो यात्रा अभी हो रही है इस यात्रा में तुम्हें कोई एहसास नहीं, जीवंतपना नहीं, पंखा घूमता है पंखे को कुछ पता नहीं है मैं क्यों घूम रहा हूं, उसे एहसास ही नहीं। और जिसे स्वयं की सत्ता का ही एहसास नहीं कि मैं कौन, मेरी सत्ता क्या है, उस सत्ता का ही जिसे एहसास नहीं उसका जीवन मशीन के जैसा जीवन है, मशीन की तरह ही यह जीवन जिया जा रहा है।
अंतर्मुख यात्रा। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये आत्मानुभूति, ये अंतर्मुख होने की यात्रा के संबंध में मैं आपसे कह रहा हूं। आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं कि महावीर भगवान के जीवन की अंतर यात्रा से हम कैसे प्रेरणा ले कि हम भी ऐसा कुछ इस जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि बाहर के जगत में तुमने जो कुछ भी पाया है ये सब तुम्हारा पाया हुआ बाहर के जगत में ये दो कौड़ी का है। तुम्हें जो ये अभी अवसर मिला है ये बात सुनने का, इसकी तुम कीमत नहीं कर सकते, उसका मूल्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा सबका ध्यान इधर हो। ये सब तुम्हारा दो कौड़ी का, मैं कहता हूं ये कचरे, ये कचरा पीटी का ये डिब्बा, मैं इसको डिब्बा कहता हूं कचरे का, मगर तुम अब सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। तुम्हें ये जो अवसर मिला है अपनी चैतन्य तत्व की अनुभूति का, तुम सुनो, तुमने ये बात कभी आज तक नहीं सुनी। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई, मैं आपसे कहूं, एक व्यापारी था आपके जैसा ही, कपड़े का व्यापार करता था, दुकान पर जाता था, पूरे दिन भर बैठता था, दिन भर जो चलता था और रात को सपने में भी वही चलता था, कितना माल बिका, कितना कमाया, कितना घाटा, कितना लाभ, यही दिमाग में यही चलता रहता था, पूरे दिन भर यही चलता था, रात को सपने में भी वही विचार चलता था। सपने में एक सपना आया, ऐसा सपना आया कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया, ग्राहक दुकान पर आया और ग्राहक ने पूछा कि ये माल कितने का है, दुकानदार ने कहा सपने में ही कि 100 रुपये का है, ग्राहक ने कहा 90 में देना है, दुकानदार बोला कि नहीं मिलेगा 90 में, ये 100 रुपये का माल है, एक दाम की दुकान है, 90 रुपये में नहीं मिलेगा। फिर भी दुकानदार को पता था कि ग्राहक थोड़ा आगे जाएगा और वापिस आएगा, अक्सर ऐसा होता है कि उसे पता चला कि ये जो माल उसे अच्छा लगा है, उसने तारीफ कर दी थी कि बहुत अच्छा है, हम बहुत चालाक है, जब दुकानदार के पास में जाए और वस्तु अच्छी लगे तो उसके सामने नहीं बोलते, वरना पता चल जाता है कि वो दाम कम नहीं करेगा अब, क्योंकि हमें अच्छी लग गई। और इस ग्राहक ने ये बता दिया था कि बहुत वस्तु अच्छी है, 90 रुपये में उसने वस्तु मांगी, दुकानदार ने नहीं दी, ग्राहक थोड़ा दूर गया, फिर थोड़ी देर बाद आया कि 95 में देना है, 95 में देना है, दुकानदार ने बोला कि नहीं, ये 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये में ही मिलेगी। फिर थोड़ा और आगे गया, फिर आया कि 98 में देना है, दुकानदार ने कहा भाई नहीं मिलेगी ये वस्तु, ये 100 रुपये की वस्तु है, 98 रुपये भी नहीं, ये 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये में ही मिलेगी। और ग्राहक थोड़ा आगे गया और आता ही था कि तभी पत्नी ने जगा दिया, पत्नी ने जगाया, आंख खोली तो देखा कि कोई ग्राहक नहीं, सपना चल रहा था, सपने में देख रहा था ग्राहक है, सपने में ये देख रहा था कि ग्राहक है। पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, तो हमेशा मुझे परेशान करती और आज भी किया, वो ग्राहक आया था बड़ी मुश्किल से, 98 तक पहुंच गया था, जा तू यहां से अब, और दुकानदार फिर पलंग पर लेट गया, आंख बंद कर दी और कहा कि आजा, कोई ग्राहक अब नहीं आता, सपना छूट गया, सपना एक बार छूटने के बाद में दोबारा नहीं आता। और मैं तुमसे ये कहने यहाँ आया हूँ, तुम यहाँ जो यहाँ बैठे हो एक सपने में बैठे हो, जैसे ही तुम्हारी आंख बंद हुई और अगले भव में आंख जहाँ खुली, फिर तुम कहोगे कि न्यू कप परेड का फ्लैट कहाँ है, वो नहीं आएगा, सपना चला गया। तुम जागो, उस सपना छूटने से पहले तुम जागो, तुम जागो, ये जागने के लिए भावना बहुत अच्छी है,
भावना बहुत अच्छी है। ग्रह में प्रवेश करने की ये भावना में, अंतर के ग्रह में प्रवेश करने की ये अंतर की प्रक्रिया को जानने की उत्कंठा आपकी अत्यंत उत्तम है। मैं भावना पाता हूँ आज का ये दिन आप इस ग्रह में प्रवेश करते हैं, मगर आज का दिन आपकी अंतर की यात्रा के लिए आज का प्राथमिक दिन, ऐसा दिन हो आज आप कुछ बोध ले ले, बोध ले। मुझे एक घटना और स्मरण में आई, पलटू के जीवन की ये घटना है। मैं अक्सर कहता हूँ अपने घर की खिड़की से वो रोज एक दृश्य देखता था, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी जो फूलों के रस पर बैठ कर के चुस्त कर उसका जो रस लेकर के छत्ता तैयार करती थी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, रोज रोज वो छत्ता बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। 6 महीने में वो छत्ता तैयार हो गया, मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा छत्ता बना दिया था। पलटू वो रोज दृश्य देख रहा था कि कितना अच्छा छत्ता बनाया मधुमक्खियों ने। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंजीनियर भी ऐसा नहीं बना सकता, मधुमक्खियों ने ऐसा छत्ता बना दिया, ऐसा छत्ता मधुमक्खियों ने बना दिया। कोई प्लान नहीं किया था, कोई कागज पर बनाया नहीं था छत्ता, सीधा ही बना दिया। पलटू बहुत प्रभावित हुआ, मगर एक दिन उसने जो 6 महीने के बाद में दृश्य देखा, वो दृश्य देख करके ही उसे अनित्यता की असारता का बोध हुआ। मध बेचने वाला व्यापारी आया और वो छत्ते के नीचे उसने धुआं किया, वो धुएं से मधुमक्खियों को उड़ना पड़ा, वो छत्ता लेकर के चला गया। पलटू ने यह दृश्य देखा कि 6 महीने तक मेहनत करती रही है मधुमक्खी और एक ही पल में वो व्यापारी छत्ता लेकर के चला गया। तुम्हारी पूरी जीवन भर की कमाई और जीवन भर की शक्ति और जीवन भर का पूरा अमूल्य समय जिस घर को बनाने में तुमने लगाया, एक क्षण ही वो आएगा मृत्यु का कि सब छीन करके ले जाएगा। तुम जागो, जागने के लिए आज की ये घड़ी है। तुम चेतो, चेतने के लिए घड़ी है। इस घर में प्रवेश करने से पहले अब तुम्हें अंतर के घर में प्रवेश करने के बारे में मैं आपसे कहूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर अक्सर दो प्रकार की घटना घटित हुई है, दो प्रकार की घटना इस पृथ्वी पर घटित हुई। एक ऐसी कि जो महलों में पैदा हुए, महल में जन्म लेने वाले उन्होंने रास्ते पर आने के सपने देखे, और जो रास्ते पर थे वो महलों में जाने के सपने देखते थे और देखते हैं। आज देखो 24 तीर्थंकर जो महलों में ही पैदा हुए थे, उन्होंने रास्ते पर आने के सपने देखे, और जो रास्ते पर है वो सपने देखते हैं कब मैं महल में जाऊं। और तीर्थंकरों ने ये सपने देखे नहीं, सपने पूरे भी किए, और सपने पूरे किए और सपने पूरे करके उन्होंने जो पाया वो महल में नहीं पाया था, वो महल में नहीं पाया था। एक अपूर्व कुछ घटित होता है, ऊब आ जाती है, ऊब आती है। जितने भोगों को भोगता जाए, भोगता जाए, भोगता जाए, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया, अब क्या, अब क्या। सोना जब तक दूर है तब तक सोना सोना है, सोना हाथ में आते ही मिट्टी हो जाता है। और सोना ही नहीं, दुनिया की हर एक पराई वस्तु दूर से ही, दूर से ही वो सुंदर है, नजदीक आई कि मिट्टी हो गई। किसी भी सुंदर स्त्री को देखा कि इसके साथ मेरी शादी हो, शादी होते ही फिर वो मिट्टी हो गई, फिर वो राख की दीवार ही दिखेगी और कुछ नहीं, क्योंकि दूर से ही वो वस्तु अच्छी लगती है। दूर के ढोल सुहावने, ये आपने सुना, मगर ये ढोल ही दूर से सुहावने नहीं होते। दुनिया की हर एक वस्तु दूर से सुहावनी होती है, दुनिया की हर एक वस्तु दूर से सुहावनी है। अब तुम जागो, अब तुम चेतो, यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें ऐसा अनुभव हो जैसा महावीर भगवान को हो चुका था, ऐसा बोध, अनित्यता की असारता का बोध, अनित्यता की असारता का बोध, इतनी असारता का बोध। आसमान में ऊपर 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 की तुम यात्रा करो, कितने ही तुम ऊपर पहुंच जाओ, कितने ही ऊपर पहुंच जाओ, जागृति रहे गिरना नीचे होगा। तुम चाहे जितने आसमान में तुम उड़ो, मगर ये मत भूलो आसमान की बुलंदियों को तुम छू लो, मगर ये मत भूलो तुम्हारी आखिरी मंजिल जमीन होगी, क्योंकि यहाँ आसमान में शमशान नहीं बने, जाना नीचे ही पड़ेगा। ये जागृति आज तुम्हारे ग्रह प्रवेश के समय मैं तुम्हें कराना चाहता हूं कि तुम जागो, यहां रह करके तुम ऐसा जीवन जियो, इस संयोग को, ये जो तुम्हें अनुकूलता मिली,
ये अनुकूलता के साथ में रह करके तुम ऐसा कुछ पालो, तुम पाओ। बड़ा 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 सिंहासन तुम बढ़ाते न जा, कुर्सी को बढ़ाते मत जा, आसन को बढ़ाते मत जा। अंतर की वृत्ति तो ऐसी होगी, पहले छोटी कुर्सी, बाद में बड़ी कुर्सी, और बड़ी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, कुर्सी को बड़ी 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 करते जाते हो, फिर वो बड़ी कुर्सी के साथ में ही कब्र में जाते हो। सत्य तो यह है कि कुर्सी को बड़ी नहीं करते थे, अपने जनाजे को बड़ा बना रहे थे, जनाजा ही बड़ा हो रहा था। जागृति प्रकट हो, कैसी ये जागृति? महावीर भगवान को महल में रह करके भी ऐसी अलिप्तता, ऐसी अलिप्तता, अनित्यता की असारता के बोध के बल पर ही ये जागृति आपको है, ये जागृति रहे। घर में आने से पहले घर में से जाने की तैयारी। इस घर में जब भी वो डोरबेल बजाए, मालिक बन करके नहीं। यहाँ तो खास अक्सर मुंबई में ऐसा होता है, मैंने देखा है, कोई बाहर से आदमी आता है, एक घंटी बजती है तो पता चलता है कोई आया बाहर का, दो घंटी बजी तो लगता है मालिक आया। मालिक ही बजा सकता है दो घंटी, कितनी भी घंटी, ज़्यादा घंटी, मालिक आया। नहीं, तुम इस घर में प्रवेश करो, एक मेहमान आया, एक मेहमान की तरह ही जागृति तुम्हें रहे। तुम आओ तब एक बस ये गेस्ट हाउस के रूप में तुम्हें यह दिखाई दे, यहाँ मालिक होकर के नहीं, गेस्ट हाउस में तुम गेस्ट होकर के यहाँ रहना, यहाँ गेस्ट होकर के रहना, यहाँ गेस्ट होकर के रहना। और जब मैं तुमसे कहूँ कि गेस्ट हाउस, तब मैं ये दीवारों से बने हुए हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कहूँ गेस्ट हाउस में गेस्ट होकर के रहना, मैं इस गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर का गेस्ट हाउस अच्छा है, वहाँ लिखा रहता है 12 o'clock चेकआउट, ये गेस्ट हाउस ऐसा है एनी टाइम चेकआउट, जस्ट बी रेडी, कभी भी, प्रति समय जागृति। तुम्हें तड़पना न होगा उस समय, तुम्हें दुखी न होना होगा, वो दशा ऐसी होगी क्योंकि तुम पहले से ही उसके पड़ोसी होकर के बैठे हो, ये पड़ोसी होकर के बैठे हो। तुम ऐसा अनुभव करते हो, मैं जैसे एक महल में बैठा हूँ और मेरे महल के पड़ोस में एक राख की बनी दीवार, मेरे महल के पड़ोस में दीवार बनी और मैंने कांच की खिड़की में से ऐसा देखा कि पड़ोस में दीवार बनी है। कुछ साल पहले मेरे पड़ोस में दीवार बनी। आत्मज्ञानी को यह जागृति है कि मैं चैतन्य महल में वास करता हूँ और मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में ये राख की दीवार करीब करीब 36 बरस पहले बनी है। उसका निर्माण 36 बरस पहले हुआ मगर वो पड़ोस में, और मैंने अपने चैतन्य महल में रहकर के ज्ञान की खिड़की में से ये देखा है, ज्ञान से ये जाना है कि ये दीवार बनी। और इस दीवार के बनने से पहले, जो मेरे महल के पड़ोस में बनी, उस दीवार के बनने से पहले भी मेरा महल था, उस दीवार के बिखरने के बाद भी मेरा महल तो रहेगा। और जब तुम्हें इस दीवार से इतनी दूरी का एहसास होगा, तब फिर ये बाहर का तो बहुत दूर गया, जिसमें तुम 24 घंटे जहाँ तुम रहते हो उससे ही तुम्हें भेद का एहसास होने लगा। फिर तुम यहाँ नहीं, फिर तुम यहाँ नहीं, फिर तुम घर में रह करके वैरागी हुए। घर में रह करके भी तुम घर में नहीं, घर में रह करके भी तुम घर में नहीं। इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो, मैं नहीं कहता, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि दीक्षा कब ले रहे हो, घर छोड़ दो और पहाड़ पर चले जाओ, मैं ये किसी को नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि तुम पहाड़ से नीचे उतर कर घर में आओ, तुम अहंकार के पहाड़ पर चढ़ कर के जो बैठे हो वहाँ, वहाँ से चैतन्य के घर में आ जाओ, अहंकार के पहाड़ से उतरना होगा। ये जागृति प्रति समय, बस एक क्षण को भी आनंद न हो यहाँ, एक क्षण को भी सुख न हो, आनंद माना, ये छोड़ते समय बहुत तकलीफ होगी। मेहमान की तरह ही यहाँ रह लिया, बहुत शांति से जीवन जी सकेंगे। और ये जागृति एक घंटे अभी सुनने से ना आएगी, ये तो पहला चरण है, ये पहला चरण है कि आपके जीवन में इस ग्रह में प्रवेश करने से पहले ही आपने ये चाहा कि कुछ चैतन्य महल के बारे में सुन लिया जाए कि इस महल का मजा ही मिट जाए, चैतन्य महल की महिमा को सुन लिया जाए कि इस महल के बारे में दो कौड़ी का ये कचरा का डिब्बा ही तुम्हें दिखाई दे। क्योंकि ये कचरा,
और वो कचरा जहाँ रहेगा वो डिब्बा, कचरे का डिब्बा, और ये जागृति तुम्हें रहे यहाँ पर रह करके, ये जागृति जब तुम्हें रहे तब तुम मुंबई में नहीं रहते, तुम मुंबई में नहीं रहते, तुम चैतन्य के महल में रहते हो, तुम भूतकाल, ये जो था वो सब भूतकाल हो गया, मैं शरीर में था, था मैं नहीं हूँ वहाँ, देह का पड़ोसी। पूरी दुनिया तुमसे देखेगी, तुम्हें मोहर न लगानी पड़ेगी, तुम्हें किसी की मोहर की जरूरत न पड़ेगी कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें अंतर में अनुभव हुआ, बस रास्ते पर तुम्हारे साथ में ही कोई व्यक्ति निकलता है, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ में रास्ते से निकलता है उस व्यक्ति को जितना तुम दूर से पराया देख सकते हो, इस शरीर के परमाणुओं की मूवमेंट को तुम उतनी ही सेपरेट, इतनी ही न्यारी तुम देख सकते हो, इस शरीर के परमाणुओं को भी तुम उतना देर देख सकते हो। ये देखने की, ये अंतर की दृष्टि, उस दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि। महावीर भगवान की अंतर यात्रा, यात्रा तो हम सब करते हैं, मगर हम जिसे यात्रा कहते हैं वो यात्रा नहीं, हम जिसे यात्रा कहते हैं वो यात्रा इसलिए नहीं क्योंकि यात्रा कहीं पहुंचाती है, और हम जिसे यात्रा कहते हैं वो यात्रा कहीं पहुंचाती नहीं, वो यात्रा सिर्फ भटकाती है, वो यात्रा सिर्फ भटकाती है। वो यात्रा कहीं पहुंचाती नहीं, वो भटकाती है। ये अनुभूति का मार्ग, आत्मानुभूति का मार्ग, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि यहाँ रह करके तुम धर्म की बात न सुन सकोगे। अभी अभी बता रहे थे भाई साहब, यहाँ रह करके कुछ तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो तुम्हें हटना पड़ेगा यहाँ। तब से मैं देख रहा हूँ, मैं जो परमात्मा की बात कर रहा हूँ आपका ध्यान वहाँ पर है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या है, जो आएगा वो बैठ जाएगा, थोड़ी देर के लिए तुम शांति से तुम बैठ जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ थोड़ी देर, आधा घंटा तुम्हें बैठने को कहा, सबको ऐसा छोड़ दो, मैं तुम्हें वो अनुभूति तक लेकर के जाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बिल्कुल ही यहाँ पर अंतर में। अब सब ध्यान से सुने, महावीर भगवान की अंतर यात्रा क्या थी, वरना तुम वंचित रह जाओगे मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ। ये सब होता रहेगा, ये सब तो पूरी जिंदगी भर होने ही वाला है, ये मौका तुम्हें दोबारा न मिलेगा, ये मौका दोबारा न मिलेगा, ये आत्मा की, परमात्मा की वाणी सुनने का ये अवसर तुम्हें दोबारा न मिलेगा, सच कहता हूं मैं, दोबारा न मिलेगा। शेर की अवस्था में थे महावीर भगवान, हिरण का शिकार करने जा रहे थे, आसमान से दो मुनिराजों का आगमन हुआ, और मुनिराजों का उपदेश सुन करके मुनिराजों ने ये कहा कि हे सी, तू ये जो कार्य करने जा रहा है ये कार्य तेरे लिए शोभा नहीं देता, ये कार्य तेरे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि तू 10 भव के बाद में तीर्थंकर होने वाला, तीर्थंकर का जीव है, 10 भव के बाद में तू तीर्थंकर होगा, और ये कार्य तेरे लिए शोभा नहीं देता, तुम्हारी अंतर की यात्रा ऐसे ही प्रारंभ हो। तुम्हारे द्वार पर कोई आकर के बैठता है तुम्हें ये कहने के लिए, उस शेर की दशा बेहतर थी, उस शेर ने सुना, उस शेर ने मुनिराज के दर्शन करके, उस शेर ने देख करके ही अंतर में समझ, अंतर में उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, शेर को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और उस समय देह
से न्यारा ये चैतन्य तत्व महावीर भगवान को 10 भव पहले ही ये अंतर यात्रा प्रारंभ हुई, अंतर की यात्रा पर। फिर वो शेर ने खाना पीना भी छोड़ दिया, मांस जीवन भर न खाया, खाना पीना भी छोड़ा, और वहां पर ही उसने समाधि मरण उस शेर ने किया। भगवान महावीर की जो दशा है वो यात्रा वहां से, तुम्हारे हृदय को छूता क्यों नहीं है? कभी कभी लगता है तुम एनेस्थेसिया की तरह के इंजेक्शन लेकर के बैठे हो, तुम्हारे हृदय को कुछ होता नहीं। महावीर भगवान महावीर नहीं थे, वे वीर नहीं थे, वे धीर थे। वीर और धीर में अंतर होता है। उनका असली स्वरूप धीर था, वीर नहीं। वीर और धीर में अंतर है। वीर क्या होता है, जैसे कि एक आदमी दूसरे को मारने गया, एक आदमी दूसरे आदमी को मारने गया, एक बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा, और 10 बार इतना मारा 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 और इतना मारा कि दूसरा आदमी मर गया और ये पहला आदमी जीत गया। ये जो पहला आदमी जीत गया उसे कहते हैं वीर। वीर कि दूसरे को मारा और ये जीत गया, उसका नाम है वीर। और धीर, धीर का मतलब यह होता है कि दूसरा तुम्हें मारने आए, एक बार दूसरा मारने आया, दूसरा मारने आया, तीसरा मारने आया, चौथा मारने आया, पांचवा मारने आया, कोई तुम्हें कितनी बार तुम्हें मारने के लिए आए मगर तुम्हें कुछ भी ना हो। उसने मारा मगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, और उसने अनेक बार मारा और मार मार करके वो मारने वाला ही मर गया, और ये जीत गया। उसको मारने नहीं गया, उसकी मार खाते खाते मारने वाला मर गया और ये जीत गया, उसका नाम धीर है। महावीर भगवान किसी को मारने नहीं गए मगर इतने उपसर्ग इतने परिश उन पर आए, फिर भी वे अपने में स्थिर रहे और वे उपसर्ग परिग्रह भी दूर हो गए। अपने में स्थिर रहे, अपने में स्थिर रहे कि वे उस परम दशा तक पहुंचे। बाहर के संयोग की तो उन्हें असर ही न हुई, ध्यान ही नहीं गया, पता ही न चला। ये धीर की यात्रा है, ये महावीर भगवान की जो यात्रा है वो धीर की यात्रा है। ऐसा पुरुष ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जिन्हें कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। कोई कान में खिला मारे तो भी कुछ होता नहीं, कोई सिर पर सगड़ी रख दे गरम गरम तो भी कुछ होता नहीं है, कोई आग की बरसात करे तो भी कुछ होता नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, उसे धीर कहते हैं। ऐसे धीर पुरुषों का मिलना बहुत मुश्किल है इस काल में। मैंने कहीं पढ़ा था ये कि धीर मिलते नहीं इस काल में, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं ये बात झूठी है, अभी भी इस काल में धीर मिलते हैं, इसे कुछ होता ही नहीं है। ये इतने सारे बैठे धीर, कब से मैं आत्मा की बात कह रहा हूं, शांति से बैठे, कुछ होता ही नहीं। कितना भी उनको कहो कुछ होता ही नहीं, असर ही नहीं होती। तुम सुनते बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, हमको कुछ होगा ही नहीं। ये धीर, मगर उल्टे रास्ते पर धीर हुए नहीं, अंतर की यात्रा प्रारंभ हो। आज तुम्हारे सामने यह अवसर है, महावीर भगवान की अंतर यात्रा जो प्रारंभ हुई थी, अंतर के सुख की प्राप्ति उन्हें हुई थी शेर की अवस्था में। शेर की अवस्था में वे थे, मगर अंदर से मैं शेर नहीं, मैं पशु नहीं, मैं चैतन्य तत्व, ये अनुभूति उन्हें तभी हुई, तभी अनुभूति। हृदय में संवेदनशीलता थी, इतना पाप किया था, इतना पाप कि इतने जानवरों को मारा था, शेर था, मारा ही होगा, इतनी हिंसा की होगी, मांस भी इतना खाया, मगर परिवर्तन आया। ये परिवर्तन सबके जीवन में आ सकता है। ये जो महावीर भगवान के जीवन की ये घटना है, ये आपके लिए ये बताती है, आप चाहे जितने अपराध और पाप करके आए हो मगर निराश मत होना, आपका पाप का मैल वो धुल सकता है,
परम कृपालु देव कहते थे, कोटि वर्ष का स्वप्न भी जागृत होने पर वह छूट सकता है, मगर तुम थक जाओ एक बार ऊब आने लगे, ऊब आने लगे। कैसी ऊब? जैसे आपका एक मित्र है, उस मित्र को आपने अपने घर पर बिठा दिया और कहा कि चलो आज फिल्म देखो। उसने फिल्म को देखा, फिर दूसरे दिन भी आपने बुलाया, उसको वही फिल्म दिखाई जो कल दिखाई थी, फिर तीसरे दिन भी उसको बुलाया और कहा कि ये फिल्म देखो। वो व्यक्ति कहेगा कि अब इसके घर पर जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊब आ जाती है, एक ही एक ही एक ही, कब तक? अब बहुत हो गया, अब ऊब आती है। और ये एहसास हो, पूर्व भव में भी ऐसा ही हुआ था। पूर्व भव में ऐसे घर नहीं बनाए होंगे, बहुत बार बनाए। क्या पूर्व भव में घर का वहां गृह प्रवेश नहीं किया होगा, वहां लोगों को इकट्ठा नहीं किया होगा? अनंत बार ये कर दिया, ये कुछ नयापन नहीं है, ये पहली बार नहीं कर रहे हो तुम, ये बहुत बार हो चुका। अब तुम्हें ऊब आए, बहुत हो चुका। और जब तक वो ऊब नहीं आएगी, तब तक तुम घर में रह करके उदासीन न हो सकोगे, अंदर से जागृति न आएगी। बुढ़ापा आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि अवसर हमारे पास में था, शरीर में शक्ति थी, और शरीर की शक्ति का हमने सदुपयोग नहीं किया। अवसर हमारे सामने था, अवसर का हमने सदुपयोग नहीं किया। महावीर भगवान की अंतर यात्रा, उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि मैं भी ऐसा कब बनूं, कब बनूं। उस दशा तक पहुंचने के लिए यह अनुभव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महावीर भगवान का वैशाली का राजमहल कहाँ है अभी? पता भी नहीं, बिखर गया। महावीर भगवान का समोसरण कहाँ है? बिखर गया। ये जागृति रहे, इस घर में तुम प्रवेश करो तब ये सब बिखरेगा। जब अंदर प्रवेश करो तभी तुम जागृत रहो। ये जागृति तुम्हें रही, तुम्हें ये अवसर मिला। तीर्थंकरों के महल और तीर्थंकरों के समोसरण भी, जब वहां उसका नाम निशान नहीं मिलता कि कहां गए, तो ये दो चार कमरे वाला ये छोटा सा मकान, इसका क्या कहना, ये क्या रहेगा? ये जागृति तुम अंतर में, इतने इतने अंदर से वैराग्य से भर जाओ और फिर तुम बैठो यहां। तुम यहां नहीं, यहां नहीं, तुम्हें कुछ विराट मिला। तुम छत की छेद में से ही आकाश को देखते थे और कोई तुम्हें हाथ पकड़ करके लेकर जाता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर विराट आकाश दिखाता हूं, तुम जाने से मना कर देते हो, नहीं मैं देख रहा हूं, आकाश को देख रहा हूं। उसमें ही तल्लीन हो, एक बार तुम उसके साथ यात्रा करो। सदगुरु वह है जो तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जाए कि तुम यहां पर ही जो इधर उधर देख रहे हो, ये छत की छेद में से ही तुम देख रहे हो, तुम आओ मैं तुम्हें चैतन्य के विराट आकाश में ले चलूं, कि जहां तुम पाओ, जहां तुम्हें अनुभव अंतर की शांति और सुख। सुख की प्राप्ति के लिए हमने न जाने कितने कितने उपाय खोजे, इंतजाम किए, मगर अंततः ये जागृति रहे, जागृति रहे। 3 घंटे तक तैयार होते रहते हैं दर्पण के सामने, मेकअप कर करके, शरीर को सजा सजा कर, और जब तुमसे कोई कहता नहीं कि आज बहुत सुंदर दिखते हो, झटका लगता है। कोई तुम्हारी ओर देखता नहीं तो झटका लगता है। क्या तुम्हारा सुख दूसरों पर आधीन है? दूसरे ने कहा आज तुम बहुत अच्छे हो, वो दूसरा रहने वाला नहीं, दूसरा चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा। आ तुम बहुत महान हो, दूसरे ने कहा तुम बहुत महान हो, दूसरा चला जाने वाला है, इसलिए वो जो महानता है वो भी चली जाएगी, क्योंकि दूसरों ने दी कि तुम बहुत महान हो। दूसरा नहीं टिकता तो उसकी महानता कैसे टिकेगी? वो तारीफ, वो प्रशंसा, वो वाहवाह, निकलना होगा यहां से बाहर, अर्थात तुम्हें यहां से अलिप्त होना पड़ेगा।
यहां से अलिप्त होना पड़ेगा। अब सम्यक दर्शन मेरा ध्येय हो, अब इस उम्र में सम्यक दर्शन मेरा ध्येय हो, मिथ्या प्रदर्शन नहीं। निकलू अब मैं बाहर, हमारी सबकी ये वृत्ति रहती है। बहुत सी महिला मेरे पास आती है, मुझसे प्रश्न पूछती, ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा कहती, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, वो मुझे बताना चाहती है चार अंगूठी नहीं बनाई है, ऐसा करके इशारा करती, ये समझ में नहीं आई। ये प्रदर्शन वाली वृत्ति, ये वृत्ति मिट जाए और अंतर यात्रा प्रारंभ। तुम्हारे आनंद का कारण कोई दूसरा न होना चाहिए, कोई दूसरा न होना चाहिए। परतंत्रता और गुलामी ना हो, तुम्हारे आनंद का कारण कोई दूसरा न होना चाहिए। सब यहां पर ऐसे है, तुम अपनी अंतर के चित्त की दशा को तुम देखो, तुम पाओ अंतर में क्या क्या, एक क्षण को भी शांति नहीं। कहां होगा ये आत्मा का ही, कहां होगा ये आत्मा का कल्याण, एक क्षण को भी ऐसी शांति में। हे चैतन्य परमात्मा, अब जागृति के लिए अवसर है, सुख चाहिए, अब मुझे सुख पाना है, मैं सुखी हूं ये मुझे अब दिखाना नहीं है, सुखी हूं ये दिखावा मुझे नहीं करना, मुझे सुखी होना है। दोनों में अंतर है, सुखी होने में और सुखी हूं ये दिखाने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे के सामने ये दिखाना कि मैं कितना महान, मैं कितना सुखी। एक आदमी बहुत बड़ा व्यापारी मेरे साथ में ही गाड़ी में बैठे थे, उन्हें जाना था कहीं मीटिंग के लिए, पर मेरे साथ में ही बैठे थे, हाथ उनका ऐसा ही था, ऐसा हाथ सीधा गाड़ी में, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके दोनों हाथों में कहीं चोट लगी है, कुछ हाथ अकड़ गया है, क्या हो गया है पता नहीं, मगर बाद में पता चला मुझे वो हाथ को ऐसा नहीं किया था, ऐसा ही हाथ, क्योंकि ऐसा कर देते तो वो क्रीज हो जाती, वो स्टार्च किया था कपड़े का, तो ऐसा हाथ करके वो बैठे थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, परदेश से बायर आने वाले हैं, तो आज मीटिंग के लिए जा रहा हूं, और आज की मीटिंग बहुत खास है, क्योंकि ये लोग तो सब देखते हैं कि आपने कैसे कपड़े पहने, किस तरह से तैयार होकर के गए। आधे घंटे तक वो ऐसे ही ऐसे बैठे रहे, और बाद में एक फोन आया और वहां से उन्होंने कहा सॉरी मीटिंग कैंसल है, कि अरे क्या हो गया, पूरे ऐसे बैठ गए, मीटिंग कैंसिल हो गई। मगर तुम दूसरों के सामने ये दिखाने के लिए कि मैं कितना महान, मैं कितना सुखी, तुम अंदर में तड़प रहे हो, तुम दुखी हो रही है, तुम विचार क्यों नहीं करते मुझे दुखी नहीं होना है। खुद के पास में गाड़ी के पैसे नहीं, मर्सिडीज खरीदने के पैसे नहीं, मगर बैंक से लोन ले ली, लोन लेकर के मर्सिडीज खरीदी, अब हर महीने वो इंस्टॉलमेंट हफ्ते भरना है, वो उसके पास में पैसे है नहीं, अब इस महीने का एंड अब आएगा, गाड़ी में बैठा है, अंदर में टेंशन में है कि अब इस महीने का इंस्टॉलमेंट कैसे भरूंगा, वो टेंशन में है, मगर दुनिया देखती है कि देखो मर्सिडीज में जा रहा है। दूसरों के सामने ये बताने कि मैं बहुत सुखी हूं, देखो मैं सुखी हूं, ये दिखाना चाहता है, सुखी होना नहीं चाहता, सुखी होना चाहता तो ये टेंशन नहीं लेता। हमारा ध्येय ये हो कि मुझे सुखी होना है, मुझे दूसरों को दिखाना नहीं है कि मैं सुखी हूं, फिर मैं झोपड़ी में भी रहूं मैं आनंद में हूं, क्योंकि मैं सुखी हूं, मैं आनंद में रहूं, बस मैं आनंद में रहूं। तुम्हारे अंतर में चिंता, आकुलता, दुख, ये सब लेकर के इस देह में से मैं न निकलूं। आया हूं यहां कीचड़ में पैदा हुआ हूं, मगर मृत्यु होने होने तक मैं कीचड़ से बाहर निकल जाऊं। कीचड़ कौन सा, ये शरीर, इस शरीर में पैदा हूं, मगर देह छूटने से पहले ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, भगवान ऐसी दशा प्रकट हो, इसके लिए आपके सामने ये आज ये अवसर आया, ग्रह प्रवेश करने का, ग्रह प्रवेश करने का ये अवसर है। कौन सा ग्रह, ग्रह घर का प्रवेश, ये ग्रह और घर ये दोनों अंग्रेजी में तीन लेटर है, वो तीन लेटर का उल्टा करें तो घर और ग्रह एक ही तीन ही लेटर में हो जाता है,
उसमें जी एच आर करो तो जी एच में घ हो जाता है और आर में र हो जाता है, तो जी एच आर में घर हो जाता है, और जी आर एच कर दो तो ग्रह हो जाता है, तीन ही लेटर में उसको आगे पीछे घर और ग्रह दोनों बात एक ही है, जी एच आर जी आर एच, घर प्रवेश ग्रह प्रवेश। ये ग्रह प्रवेश होता है, ग्रह प्रवेश के लिए ये जो ग्रह है, ये ग्रह नहीं ये महल है, ये चैतन्य महल है। चैतन्य महल में प्रवेश करने का अर्थ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। सम्यक दर्शन अर्थात ग्रह प्रवेश हुआ, और ग्रह में प्रवेश करना नहीं है, ये अनुभूति। कैसी ये अनुभूति उसके बारे में मैं आपसे कहूँ। जैसे एक व्यक्ति सो रहा है अपने घर में या मुंबई में ही सो रहा, और उसे सपना आया। सपने में वो देख रहा है कि मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर की वहां पर गलियों में मैं घूम रहा हूं, ये सपने में। अब उस व्यक्ति को वहां न्यूयॉर्क की गलियों में जो वो घूम रहा है, उस व्यक्ति को मुंबई में अपने घर में आने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले वहां से उसे टिकट बुक करनी चाहिए, टिकट बुक करके एयरपोर्ट जाना चाहिए, फिर मुंबई के एयरपोर्ट तक आना चाहिए, फिर वहां से गाड़ी से आना चाहिए अपने घर में, फिर अपने बेडरूम में। नहीं, उस व्यक्ति को यह नहीं करना है, उस व्यक्ति को सिर्फ जागना है। जैसे ही जागा कि पाया कि मैं अमेरिका में था ही नहीं, मैं अपने घर में ही था। ग्रह प्रवेश होता है, उसका अर्थ यह है कि जागृति प्रकट होती है, अवेयरनेस कि मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये आपने रियलाइज किया कि मैं शुद्धात्मा हूं, आपका ग्रह प्रवेश हो गया। ग्रह प्रवेश हुआ नहीं, आपने ये अनुभव किया कि मैं यही हूं, अनादिकाल से मैं यही हूं। ये कल्पना कर रहा था मैं कि मैं अमेरिका में हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, ये कल्पना कर रहा था। ये कल्पना सपने में होती है, सपना छूटता है तब जब आप जागते हो। इसलिए मैं साधकों से कहता हूं, ज्ञान दीपकों से कहता हूं, जागो। आत्म जागृति परम धर्म है। आप कौन सा कार्य करोगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जागो, जागृति पूर्वक आपकी प्रत्येक क्रिया हो, जागृति पूर्वक। बैंक का कैशियर जैसे रुपयों को गिनता हो, आप अपने रुपयों को ऐसे ही गिने, जागृति कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो गिनने का वो ठीक तरह से नहीं गिनेगा क्योंकि मेरा नहीं है, कैसे भी ले लो कैसे भी दे दो, ऐसा नहीं करेगा वो। बिल्कुल ठीक तरह से लेगा, ठीक तरह से ही देगा, वो बराबर गिनेगा, काम बराबर करेगा, मगर अलिप्तता कि ये मैं इसका मालिक नहीं हूं। तुम्हारी शरीर की क्रिया जो हो उस क्रिया के काल में ये जागृति हो कि मैं इस क्रिया के काल में ये जागृति हो कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। इसे मैं राख की बनी हुई दीवार कहता हूं, राख की दीवार कहता हूं। मेरे चैतन्य के महल के पड़ोस में ये राख की दीवार बनी, ये दीवार राख की बिखरेगी मगर ये पता चले। दीवार के बिखरने पर भी जो नहीं बिखर जाता वही मैं। ये अंतर की यात्रा है। इस यात्रा के लिए तुम्हें भौगोलिक रूप से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। मुझे अभी एक कोरिया की घटना स्मरण में आई। कोरिया में ऐसा हुआ, एक भिक्षुक नाव में यात्रा कर रहा था, उसके पास बहुत सारे शास्त्रों का ढेर ऐसा भरा हुआ गठरी उसको सिर पर उठा करके वो नाव में गया। नाव में उसने गठरी को रखा और एक किनारे से दूसरे किनारे सामने किनारे जाना था, और सामने किनारे वहां जहां उतरना था नाव में से, वहां से गांव का जो दरवाजा था थोड़ा दूर था, और सूर्यास्त होते ही वो गांव का दरवाजा बंद हो जाता था। तो ये भिक्षुक ने नाविक से कहा,
क्या हम पहुंच जाएंगे सूर्यास्त होने से पहले? वहां नाव सामने किनारे पहुंची और नाविक ने कहा हाँ पहुंच जाएंगे, यदि धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। ये उल्टा लगा, गणित तो ऐसा है कि जो जल्दी चले वो पहुंच जाए जल्दी, धीरे चले वो देरी से पहुंचे। मगर नाविक ने कहा यदि धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। और ये भिक्षुक ने उसकी बात सुनी नहीं, ये निकला ये गठरी अपने सिर पर लेकर, और जैसे ही थोड़े आगे गया कि कीचड़ में पैर फिसल गया कि वो गिरा। थोड़ी देर बाद वो नाविक पीछे से आता है, नाव बांध करके आया और नाविक ने देखा कि भिक्षुक तो गिर गए। नाविक ने कहा मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। अब तुम यहां रहो, मैं धीरे धीरे जाता हूं, मैं तो पहुंच जाऊंगा। ये धैर्य का मार्ग, धीरे धीरे जाओ तो पहुंच जाओगे, जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। उसने ये कहा था कि धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, और जल्दी जाओगे तो न पहुंचोगे। मैं साधकों से ये कहता हूं कि धीरे धीरे चलोगे तो भी न पहुंचोगे। मैं ये कहता हूं नहीं चलोगे तो पहुंच जाओगे, स्थिर हो जाओ कि पहुंच जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, ये यात्रा ऐसी है जहां आगे की ओर कदम ही नहीं बढ़ता और स्थिर हो जाता और पहुंच जाता है। आपकी अंतर यात्रा, आत्मा की अनुभूति की यात्रा, आज से इस ग्रह में आप प्रवेश कर रहे हैं। जो प्राप्त संयोग हुआ है उसका सदुपयोग करने की कला को सीख ले। वस्तु को छोड़ने को मैं नहीं कहता, वस्तु का सदुपयोग करने के लिए कहता। मैं नहीं कहता कि मोबाइल को उपयोग करना बंद कर दो, मगर उसमें भी प्रवचन आप सुन सकते हो। कंप्यूटर को बंद कर दो ये नहीं कहता, उसका सदुपयोग करो। मुनि भी साधु भी वस्तु को छोड़ नहीं देते, जो मिला है उसका सदुपयोग करते हैं। साधु भी सदुपयोग करते हैं, उनकी भूमिका अनुसार वो सदुपयोग करते हैं। जैसे ये शरीर साधु के पास में है, वह आत्महत्या करके शरीर को छोड़ नहीं देते क्योंकि शरीर तो मेरा है ही नहीं, चलो आत्महत्या कर लो छोड़ दो, नहीं। शरीर के साथ में रहते हैं मुनि और उसका सदुपयोग करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, शील संयम से जीवन जीते। मुनि उनकी भूमिका अनुसार जो मिला उसका सदुपयोग करते हैं। आपको जो अभी ये मिला है उसका सदुपयोग किया जाए। अलिप्तता बहुत जरूरी है, अलिप्तता जरूरी। महावीर भगवान को ये अलिप्तता प्रकट हुई। अंतर यात्रा, छूटता कुछ भी नहीं है, बदलना कुछ भी नहीं है। आंख कान नाक ये जो शरीर, उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने भगवान की मूर्ति को देखा, आंख फोड़ी नहीं है, कान को काटा नहीं है, शरीर को नष्ट नहीं किया है। महावीर भगवान की मूर्ति एक भी बताओ। इसका ये मतलब है कि तुम्हें शरीर में कुछ भी नहीं करना है। उस दशा तक पहुंचने के लिए सिर्फ तुम शरीर में रह करके तुम अंतर में ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य तत्व हूं। आंख आंख के जैसी 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 है ऐसी रहेगी, कान कान के जैसे पहले है ऐसे ही रहेंगे, ये शरीर तो शरीर की तरह रहेगा, मगर तुम वो एक समय में तुम ऐसा अनुभव करोगे। तुम्हारी ये दृष्टि दीर्घ चाहिए, तुम विकल्पों के कोलाहल में इतने फंसे हो कि तुम्हें ये पुकार न सुनाई देगी अंतर की चैतन्य की। इतना कोलाहल सुनाई न देगा ये। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक चाचा की घड़ी खो गई थी, चाचा की घड़ी खो गई, उसने बच्चे को कहा कि बच्चों मेरी ये घड़ी खो गई है, मुझे खोजने में थोड़ी सहाय करो। बच्चे आए और बच्चे ने घड़ी को खोजा, मगर बच्चे घड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। एक बच्चा समझदार था, उसने कहा
कि चाचा इन जितने भी बच्चे सबको बाहर भेज दो और आप भी बाहर जाओ, मैं घड़ी को खोज देता हूँ। 5 मिनट भी नहीं हुई कि घड़ी को लेकर के बच्चा आया और कहा कि लो चाचा आपकी घड़ी। चाचा को लगा कि तेरे को कैसे घड़ी मिली, क्या तूने चुराई थी, ली थी, तुझे कैसे मिली और अभी कैसे मिली। उस बच्चे ने कहा चाचा घड़ी मुझे मिली इसलिए मुझे मिली क्योंकि अभी इतने बच्चे इकट्ठे हो गए थे, यहां इतना कोलाहल था, इतना कोलाहल था कि कोलाहल में घड़ी के सेकंड काटे कि घूमने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ये सब बाहर गए कि घड़ी के सेकंड काटे का आवाज सुनाई दिया कि घड़ी मिल गई, वो सेकंड काटे की आवाज ही नहीं सुनाई देती। ऐसी तुम्हारी हालत है, घर का विकल, मेहमान का विकल, पुत्र पत्नी परिवार का विकल, अंदर में ही इतना कोलाहल 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 चलता है, वो चैतन्य की पुकार कहां सुनाई देगी। वो बाहर का कोलाहल थोड़ा बंद हो जाए तो अंदर की पुकार सुनाई देगी। वो बाहर का कोलाहल बंद होना बहुत जरूरी है, वरना कोलाहल के साथ में ही यहां से निकलना पड़ेगा, कोलाहल के साथ में ही। अभी ये अवसर तुम्हें मिला है, अभी आत्म जागृति का, चैतन्य तत्व की अनुभूति का अवसर मिला। तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या मिला है, मैं जानता हूं इसकी महिमा, मैं जानता हूं इसकी महिमा। करोड़ों की संपत्ति, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव, चौरासी लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और 96,000 रानिया, ये सब बाहर का वैभव। चक्रवर्ती जो सम्राट, वो चक्रवर्ती सम्राट का ये वैभव, इतना कुछ है। मगर परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा एक चक्रवर्ती की संपदा नहीं, एक नहीं अनंत, ऐसा लिखा अनंत, ऐसा कृपालु देव क्या कहते हैं कि अनंत चक्रवर्ती की संपदा, 6 खंड का वैभव, ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं अनंत चक्रवर्ती की संपदा, उससे भी अधिक मूल्यवान मनुष्य जीवन का एक समय, अनंत चक्रवर्ती की संपदा से। और ऐसे समय ऐसे ही बीतते जाते हैं, तुम्हें एहसास नहीं होता। तुम्हारे पास में आज 1 करोड़ रुपए हैं और तुमने बैंक में जमा कर दिए, जैसे ही फिक्स डिपॉजिट में कि अब 2 करोड़ कब होंगे, बैंक ने कहा 8 साल में 2 करोड़ करके देंगे, अब 2 करोड़ रुपये तुम्हें मिलेंगे 8 साल के बाद। अब ये आज तुमने वो जमा कर दिए, वो जो 8 साल के बाद की जो तारीख है वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई कि बस अब वो कब डेट आएगी, कब 2 करोड़ आएंगे, कब 2 करोड़ आएंगे, कब 2 करोड़ आएंगे, कब 2 करोड़। और 4 साल बीती, अब 4 साल और है, जल्दी जाए ये 4 साल। अब 2 साल और है, 2 साल जल्दी जाए। अब 1 महीना बाकी है, जल्दी से बीते ये 1 महीना, 2 करोड़ मिलेंगे। एक समय मनुष्य भव का अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान, जब 8 साल के बाद में 1 करोड़ का 2 करोड़ लेकर आता है, खुश होता है कि 1 करोड़ ज्यादा मिला, ये विचार नहीं करता कि एक समय अनंत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान, ऐसे मनुष्य जीवन के 8 साल मैंने ये 1 करोड़ की आशा में ये व्यर्थ में गवा दिए। गवाया है बहुत कुछ और पाया नहीं है कुछ भी, ठीकरे को पाया, मिट्टी को पाया, तुम्हें एहसास नहीं। एक बार यदि ये मणि समंदर में गिर गया, फिर दोबारा मिलना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें विदा करना होगा इन सबको। बस बहुत हो चुका और वो समय आए, सुनना पर्याप्त न होगा, प्रयोग करना होगा। इसलिए मेरा जोर प्रयोग पर है, प्रयोग पर। और ये बाहर के जगत से तुम्हें थकना होगा, अब मैं थक चुका हूं, और थकान जहां है वहां नींद जल्दी आ जाती है, जहां थकान है वहां आंख बंद जल्दी हो जाती है। जो संसार से थका है वो ध्यान की गहराई में चला जाता है, उसकी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है।
मनुष्य जीवन में बहुत कुछ गवाया है, अभी तक कुछ भी नहीं पाया, और अभी भी धन्य भागी हो कि मृत्यु से पहले यह पुकार तुम्हारे कान में पड़ गई। एक बार ये पुकार तुम्हारे कान में पड़ी कि मैं चैतन्य तत्व, देह छूटते समय इतनी बात को तुम याद रख लेना, बस वहां पहुंच जाना, वहीं पर ही पहुंच जाना जो तुम्हारा असली मैं है, उसकी जागृति। मगर वो याद तुम्हें ना आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीवन भर तुमने सुना नहीं, समझा नहीं, अंतर में उसका विचार भी नहीं किया, जो तुम्हारे पूरे जीवन भर जो चला है, मौत की घड़ी में तुम्हें वही आएगा, वही दिखाई देगा, वही, क्योंकि मृत्यु पूरे जीवन भर की जो परीक्षा है वही मृत्यु है। मैं मृत्यु को परीक्षा कहता हूं इसलिए क्योंकि परीक्षा को जीवन के अंत में आना होता है। बरस के अंत में बच्चों को परीक्षा आती है, एंड में जो आए वो परीक्षा, और मृत्यु इसलिए अंत में आती है क्योंकि वो परीक्षा, और उस समय तड़पते हुए मरते, बेटा तू ये संपत्ति संभाल लेना, बेटा ये घर तेरे नाम पर, अब तू ये संभाल लेना, बेटा तू ये कर देना। आंख बंद हुई, पता चला अगले भव में कोई बेटा नहीं, और तुमने इस बार इस बेटे के लिए जीवन गवाया, पिछले भव में कोई और बेटा था, उसके पहले भव में कोई और बेटा था, ये सब बहाने हैं कि ये बेटे के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं, तुम्हारी अंतर की वृत्ति को पुष्ट करने के लिए। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। यहां पर जो बेटे के प्रति जितना प्रेम है, यहां से मर करके सुवर में पैदा हुए सुवर का जो बच्चा है, वो बच्चे में प्रेम होगा कि मेरा बच्चा। क्यों? क्योंकि आईना बदल गया, चेहरा तो वही रहा, जो चेहरा इस आईने में दिखता था वहां दिखता है, यहां के सर्कमटेंसेस बदल गए, आत्मा तो वही मोह वाला, वही विकृत, वही अंतर की आसक्ति वाला आत्मा तो वही सुवर में गया, इसलिए वहां भी वो खोज लेगा। भाव अपने हैं, निमित्त बाहर के हैं, कोट अपना है, खूटी दूसरी है, खूटी नहीं होती है तो भी खूटी को हम कर देते हैं वहां पर कि कोट को टांगना है, हम अपने भाव के कारण बाहर में सर्कमटेंसेस तैयार कर देते हैं, वहां परिवर्तन नहीं लाना, परिवर्तन यहां अपने में लाना है, अपने में परिवर्तन आए। आज का ये दिन आपके लिए बहुत उपयोगी दिन होगा, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन डे मैं कहता हूं, हमेशा याद रहे, जब भी अब ठोकर खाओ, जब भी दुख आए, तब कि पहले दिन ग्रह प्रवेश के दिन कोई कह करके गया था आत्मा ही एक सारभूत है, फिर अंतर में लीन हो जाना, आएगी वो घड़ी, सबके जीवन में आती है, मगर उस घड़ी के आने से पहले जिसके कानों में यह पुकार पड़ी कि मैं चैतन्य परमात्मा और मेरा कुछ छुटता ही नहीं है, ऐसी वो दशा आए उससे पहले ही तुम उसमें स्थिर हो जाओ, तुम उस समय वैसा तुम उस समय कहोगे, उस समय तुम ये कहोगे, हे चैतन्य परमात्मा, तुम उस समय पहले से ही दशा प्रकट होगी, तो तुम्हें किसी ने पेन दी और कहा कि लो 5 मिनट पेन दी, तुमने लिखा ही नहीं, और वो व्यक्ति कहता है कि पेन लौटा दो मेरी वापिस, और तब तुम्हें झटका लगता है, अरे मैंने तो लिखा ही नहीं, किसने मना किया था लिखने का, लिख लेते, तुम्हें मिला था, तुमने क्यों नहीं लिखा, अरे लिखना तो रह गया मगर तुम्हें वापिस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उधार ली थी, किसी का उधार तुम्हें लौटाना पड़ेगा, मिला उस समय तुम्हें सदुपयोग करना चाहिए था। यह शरीर के परमाणु को मैं ये कहता हूं प्रकृति से लिया गया उधार है, प्रकृति कहती है कि यह उधार परमाणु मनुष्य के शरीर के ये परमाणु ले, मैं तेरे को यह देता हूं, यह प्रकृति ने दिया ये परमाणु, और 50 साल 60 साल 70 साल, और प्रकृति कहती है लौटा आप वापिस, और तब तुम कहते हो मैंने धर्म तो किया नहीं, मैंने तो लिखा नहीं, मैंने इसका उपयोग तो किया नहीं, किसने मना किया था, तुम्हें जब मिला तब उपयोग कर लेना चाहिए था, अब प्रकृति वापिस मांगती है तो लौटाने से क्यों डरते हो, मुर्दे की तरह न जाना हो तो अभी से यह प्रयोग प्रारंभ करें कि मैं चैतन्य तत्व हूं,
मैं चैतन्य तत्व हूँ, शरीर में कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, मैं राख की दीवार का पड़ोसी शुद्धात्मा हूँ और तुम भी सब राख की दीवार के पड़ोसी शुद्धात्मा पड़ोसी हो। एक समय के लिए तुम ऐसा अनुभव करो, होगा वह अनुभव अपूर्व है, अलग है, अलौकिक है वह अनुभव। महावीर भगवान की जो अंतर्यात्रा थी, वह अंतर्यात्रा शरीर में कुछ भी परिवर्तन करना नहीं, अंतर्मुख हो जाना, अपने घर में प्रवेश कर जाना, यही अंतिम यात्रा थी। ये जो आंखों से ये ज्ञान बहता है बाहर की ओर, ये लाल है, ये सफेद है, ये पीला है, ये कानों से जो आवाज सुनाई देती है, तुम अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, ये जो ज्ञान, ये सुगंध और दुर्गंध, ये नाक से, ये खट्टा ये मीठा, ये जीभ से, ये ठंडा ये गर्म, ये पांचों इंद्रियों से ये ज्ञान का प्रवाह बाहर की ओर बह रहा है। ज्ञान जगत को ही जान रहा है अभी, ये आत्मा का ज्ञान जो इंद्रियों से बह रहा है बाहर। ये जो टंकी है, टंकी में 5 नल है, नल खुले हैं और तुम शिकायत करते हो टंकी भरती ही नहीं है, कैसे भरेगी, नल 5 खुले हैं। ये पांचों इंद्रियों से ये ज्ञान का प्रवाह बाहर बहता है और अंतर में कुछ पाते ही नहीं हो। जिस समय ये बंद हो जाए, ये द्वार सब बंद हो जाए, इसके लिए मैं कहता हूं, जब भी मैं विमान में बैठता हूं, अभी अभी मैं 144 देशों की यात्रा करके आया, हमेशा मुझे ये स्मरण में आता था, जिस देश में भी मैं गया वहां पर जब भी वो द्वार के बारे में कहे, खास करके भारत देश में अधिक याद आता था, क्योंकि एयर होस्टेस वो कहती इस विमान में 6 द्वार है, 2 द्वार आगे है, 2 द्वार पीछे है, 2 द्वार बीच में, इस विमान में 6 द्वार है और आपातकालीन स्थिति में ये द्वार खुल जाएंगे और आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं, ये सब बताती, इस विमान में 6 द्वार है। मुझे स्मरण में आता ये 5 इंद्रिय और मन, ये 6 द्वार है, और वो कहती इस विमान में 6 द्वार है, आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार, बीच में 2 द्वार, आपातकालीन स्थिति में ये द्वार खुल जाएंगे और नहीं खुले, आगे 2 द्वार, पीछे 2 द्वार और बीच में 2 द्वार, खुले तो ठीक है और नहीं खुले तो फिर हरिद्वार है। ओके, आगे 2 द्वार है, पीछे 2 द्वार है, बीच में 2 द्वार है, नहीं खुले तो फिर वास्तव में हरिद्वार ही हरिद्वार है। और ये बात मुझे हमेशा स्मरण में आती, ये जो 6 द्वार है, 5 इंद्रिय और 1 छठा मन, ये 6 द्वार से जो खुले ही है, यदि ये बंद हो जाए, खुले ही नहीं तो फिर हरिद्वार है, फिर वो परमात्मा का द्वार है, वही ध्यान है, वो महावीर भगवान की अंतर यात्रा है, क्योंकि वही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव है। 5 इंद्रिय और मन से ज्ञान बाहर फैलता था, वो बंद हो गया, और ये जो कला भगवान ने बताई, आचार्य कुनकुन देव ने लिखी, कि जब आप इस दशा में पहुंचोगे तब आपको चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसका वर्णन अभी अभी मुझे ये स्मरण में आया इसलिए मैं कहता हूँ, आपके घर का नंबर शायद मेरे ख्याल से 3104 है, 3104 है, 3104 समय सार की 31वीं गाथा में ये बात लिखी है कि आप चौथे गुणस्थान में कैसे जा सकते हैं। 3104 समय सार में ये लिखा है, जो मैंने अभी आपको कहा 3104 का ये रहस्य है। आचार्य कुनकुन ये द्वार के बारे में लिखा है, तुम्हारा इस ग्रह में प्रवेश हो, बस 3104 में प्रवेश हो जाए, 31वीं गाथा को अच्छी तरह समझ करके चौथे गुणस्थान में प्रवेश करो, ऐसी में पवित्र और मंगल भावना आप परमात्माओं के लिए पाता हो। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान पूर्वक सुना या नहीं भी सुना, फिर भी मैं अपने हृदय के अंतःकरण से आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।